झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे, वादा करते हैं लोगों पे। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप को बिहार पुलिस के ऊपर सवाल उठाना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है। जैसा कि आपको भी पता होगा, तेजस्वी यादव और पत्रकार मनीष कश्यप के बीच में कभी भी नहीं बनी है, ना ही तेजस्वी यादव और ना ही नीतीश कुमार और ना ही पत्रकार मनीष कश्यप, इन तीनों के बीच में हमेशा झड़प होते ही रहती है। इसी वजह से पत्रकार मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल से जिस दिन से बिहार जेल में शिफ्ट किया गया है, उस दिन के बाद से उनके एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह बिहार पुलिस को कई तरीके के आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिए थे। पत्रकार मनीष कश्यप की इस एक गलती की वजह से आज उनके साथ ऐसा कुछ हो गया है जिसे सुनकर और देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग स्क्रीन पर वीडियो क्लिप में एम्बुलेंस के साथ एक मरीज को ले जाते हुए देख रहे हैं, यह पत्रकार मनीष कश्यप है। पत्रकार मनीष कश्यप के साथ आज कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से वह मीडिया कर्मी के सामने बिहार पुलिस के बारे में चाहे बिहार सरकार के बोलने के बारे में वह सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आपको भी पता होगा, पत्रकार मनीष कश्यप को NSA एक्ट लगाकर उनको लगातार कई दिनों से जेल में रखा गया है। पहले तमिलनाडु जेल भेजा गया, उसके बाद बिहार जेल में भी उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार मनीष कश्यप का कहना था कि मैं नशा मुक्ति अभियान के पक्ष में हमेशा रहा हूं और नशा मुक्ति के लिए बात उठाता हूं, लेकिन जिस जेल में मैं रह रहा हूं वहां पर कई तरीके की नशीली पदार्थें आती है और नशीली पदार्थ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस कर्मी ही है। और यही वजह है कि आज पत्रकार मनीष कश्यप ने जो भी बिहार पुलिस पर आरोप लगाए हैं, बिहार पुलिस ने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया है बिहार सरकार की मदद से जिसकी वजह से आज उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है, उन पर हमला करवा दिया गया है। आप लोग सोच सकते हैं कि स्वतंत्रता से अपनी बात भी रखना यहाँ पर गुनाह बन जा रहा है जिस तरीके से आज पत्रकार मनीष कश्यप के लिए बन गया है। वैसे दोस्तों, अपने पत्रकार मनीष कश्यप के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के नीचे कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या पत्रकार मनीष कश्यप को बिहार सरकार को रिहा करना चाहिए या फिर नहीं, आप अपने तरफ से इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पत्रकार मनीष कश्यप के सच्चे वाले फैन है तो मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।